वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे मिल्क केक। सिर्फ दूध से ही हम आज मिल्क केक बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। 9 से 10 दिन तक ये ख़राब नहीं होता है। किसी की भी बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई घर पे मेहमान आने वाले हो तो झटपट हम इसे बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ दूंगी टिप्स, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिल्क केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। जब दूध में उबाल आने लग जाए तो हमें इसको चलाना है ताकि दूध जो है तले पर लगे नहीं। और हमें इसमें मोटे पेंदे की कढ़ाई लेनी है। यदि आपके पास मोटे पेंदे की कढ़ाई नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। यदि आप लोहे की कढ़ाई लेते हैं तो उसको आप पहले घी से ग्रीस करके फिर आप उसमें दूध ऐड करके उसको गाढ़ा करें। आप देख सकते हैं दूध काफी हद तक जो है गाढ़ा हो गया है। बीच बीच में हमें इसको लगातार चलाते रहना है। यदि हम लगातार नहीं चलाएंगे तो दूध जो है तले से लग सकता है। तो मिल्क केक बनाने में सबसे मेन बात यही होती है कि हमें दूध को तले से लगाना नहीं है, हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है। यदि आप मिल्क केक फास्ट बनाना चाहते हैं तो दूध को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। दोनों को अलग अलग करके गाढ़ा कर लें। फिर जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो वापस उसको एक पैन में डाल के दोनों को आप एक करके फिर भी आप इस तरह बना सकते हैं, जिससे आपका मिल्क केक जो है फटाफट बन जाएगा। जब ये दूध थोड़ा और पक जाएगा तब हमें इसे फाड़ेंगे फिटकरी या नींबू के रस से। अब दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगी फिटकरी। तो यहाँ पे मैंने ये फिटकरी ली है। थोड़ी थोड़ी करके हमें इसको ऐड करना है और इसको हम चलाएंगे। यदि आपके पास फिटकरी नहीं है तो आप लेमन जूस से भी दूध को फाड़ सकते हैं। 1/3 टीस्पून हमें इसमें लेमन जूस डालना है। वो भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एक साथ हमें नहीं करना है। अब जो है हमें इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि काफी जो है दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। यदि हम इसको छोड़ देंगे तो दूध जो है तले पे लगने का डर रहेगा। थोड़ी मैं और डालूंगी फिटकरी। जब तक दूध गाढ़ा होता है हम बर्तन को ग्रीस कर लेते हैं ताकि उसमें हम जमा सकें। पहले से हमें तैयारी करनी होगी। तो घी से हम इसको अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। मिल्क केक जमाने के लिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, धामा भगोना कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपके पास हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हम जो भी ले वो थोड़ा सा मोटे पेंदे का हो तो उसमें क्या हीट बनी रहेगी तो हमारा जो मिल्क केक होगा ना वो अच्छी तरह से अंदर हीट के अंदर ही पकेगा। इसलिए हमें थोड़े मोटे पेंदे का ही बर्तन लेना है जमाने के लिए। तो हम केक बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर एक केक टिन ही लिया है। इसमें जो है हम मिल्क केक को जमाएंगे और साथ ही साथ मैंने इस तरह का ये मोटा टॉवल लिया है। आप कोई भी मोटा कपड़ा या कुछ भी ले सकते हैं। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम मिल्क केक को केक टिन में डालेंगे तो उसमें हीट बराबर रहे, इसलिए हम इसको लपेट के इस टॉवल में रखेंगे ताकि जो हमारा मिल्क केक है जल्दी से ठंडा नहीं हो और हीट में अंदर ही अंदर पक कर जो है अच्छा कलर उसका निकले। तो ये तैयारी हमें पहले से ही कर रखनी है। तो चलिए अब हम हमारे मिल्क केक की ओर चलते हैं। मिश्रण जो है हमारा काफी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हमें शक्कर ऐड करनी है। आप देख सकते हैं दाने भी जो है इसमें आने लग गए हैं जो हमने फिटकरी डाली थी। एक खास ट्रिक मैं आपको दूंगी, है तो बहुत इजी लेकिन बहुत काम की है। वो ये है कि जब हम इसमें शक्कर डालेंगे तो हमें थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है ताकि जो दूध के दाने बने हैं ना ये बिल्कुल जो है टाइट ना हो, हार्ड ना हो। अब इसमें हमें डालनी है शक्कर। तो मैंने यहाँ पर ये 300 ग्राम शक्कर ली है, लेकिन ये शक्कर हम जो है हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसको ऐड करना है। तो दो दो तीन तीन चम्मच करके ही हमें शक्कर डालनी है और इसको फिर हम चलाते जाएंगे। ऐसे हमें रुक रुक के ही शक्कर डालनी है। अब आप सोच रहे हैं शक्कर हमें रुक रुक के क्यों डालनी है। वो इसलिए कि यदि हम एक साथ शक्कर डाल देंगे तो शक्कर डालते ही जो है ये पानी छोड़ेगी। पानी छोड़ने के साथ ही जो दूध जो है हमारा अच्छे से उबल रहा है तो वो उसके जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो ये दाने बने हैं हमारे दूध के अंदर वो हार्ड ना हो, इसलिए हमें शक्कर को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। कोई भी रेसिपी अपन बनाते हैं तो कुछ न कुछ ट्रिक जरूर होती है। यदि हम उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना बहुत ही अच्छी बनेगी। मिल्क केक हमारा बनने वाला है, इसलिए हमें अब दूध को छोड़ना नहीं है, इसको हमें लगातार हिलाते रहना है। आप देख रहे हैं इसमें जो है बबल्स उठने लग गए हैं, तो ये बबल्स जो है बहुत सावधानी से हमें इसको हिलाना है ताकि ये हमारे ऊपर न आए। यदि ज्यादा जोर से उछल रहे हैं तो हम कोई बर्तन रख कर उसको जो है आने नहीं देंगे। अब और हम शक्कर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस तरह देख के बबल्स आ रहे हैं तो हम किसी भी प्लेट से इस तरह हम ढककर इसको हिलाएंगे।
ये देखिए जो मिश्रण है हमारा कलाकंद का वो बिल्कुल जो है थिक हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है घी। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बैटर जो है बिल्कुल चिकनाई छोड़ने लग गया है, ये देखिए इस तरह। तो अब इसे हमें जमाना है, बस हमें इतना ही पकाना है। जमाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम जो प्रोसेस करेंगे वो हमें फटाफट में ही करना है, जल्दी से जमा के हमें उसको बंद कर देना है, ढक के रखना है ताकि उसमें हीट जो है बनी रहे। तो चलिए अब हम इसको जमा देंगे। तो पहले से ही मैंने इसमें टोवी लगा के रख दिया है, तो मिश्रण को अब हम जमा देंगे। बड़ी ही सावधानी के साथ हमें ये काम करना है क्योंकि ये भी बहुत ही गर्म है। मिश्रण को अब हम ढककर रख देते हैं ताकि इसमें हीट बनी रहे। कोई भी इस तरह का बर्तन आप ले सकते हैं और इस तरह चारों तरफ से हम इसको टॉवल से लपेट देंगे। अब जो है 4 से 5 घंटे तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, किचन में हमें साइड में रख देना है, इसको हमें गर्म जगह पे ही रखना है। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तब हम इसको खोल के देखेंगे। मिल्क केक हमारा बनकर सेट हो गया है, तो चलिए अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा मिल्क केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब मिल्क केक को हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा हमारा मिल्क केक बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। किसी की बर्थडे पे हम इसे बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्ट और यम्मी लगता है। तो ज़रूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए प्राइम बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।